अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। आज एक बहुत बड़ा हनी बीज का एक और ग्रुप जो है वो हमारी हनी बीज ने निकाला है। हमने उसको दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करने का तैयार कर लिया है। इधर ये बच्चे लगे हुए हैं अपनी मक्की को सफ़ा करें, इसमें सफाई वगैरह करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मक्की में पैदा हो जाता है। माशाल्लाह मक्की भी इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई है। ये छोटा बेटा मेरा खेत साफ़ कर रहा है। जो एक्स्ट्रा बीज में जड़ी बूटियां होती हैं वो मक्की से निकाल देते हैं, तो मक्की माशाल्लाह फिर बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी बढ़ती है। और अगर ये जड़ी बूटियाँ ना निकालें तो फिर मक्की को ये जड़ी बूटियाँ गिरा देती हैं। मैंने एक और बॉक्स हनी बी बॉक्स का सर्वे किया है आज, जिसमें से निकल के भाग गई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज हनी बीज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक दरख्त के साथ बैठी हुई थी, अभी बच्चे ने कहा है तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और ये साथ ही मक्की की फसल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बढ़ रही थी, तो मैंने कहा ये देखें। साथ साथ जो विलेज स्टाइल वाले लोग हैं वो अपने इस फसल की तरफ भी तवज्जो दिया करें। बीच में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल दिया करें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आपका फसल बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार होगा। थोड़ी सी शाम के वक्त आपको मेहनत या सुबह के वक्त आप उसमें से जो एक्स्ट्रा बूटीज़ वगैरह होती हैं वो निकाल दिया करें। तो ये माशाल्लाह देखें, ये खेत हरियाले हरे भरे हो गए हैं माशाल्लाह, फुल फ्लैग। ये देखें मक्की कितनी शानदार और मज़बूत हो गई है। तो हनी बीज की तरफ मैं लेके जाता हूँ। ये देखें आज हनी बीज का हमने माशाल्लाह से ये आगे एक दरख्त है। बच्चा कह रहा था कि मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, कहता है कि बहुत बड़ा वो है बैठा, यहाँ से बच्चा निकला है। लेकिन मेरे एक और हनी बी बॉक्स में बच्चे निकाले हैं हनी बीज ने, जो मैं आज शिफ्ट करूंगा नेक्स्ट पेटी में। तो ये देखें, ये हनी बीज के बेबीज हैं, निकल आए हैं माशाल्लाह, बहुत तो ही बढ़िया दूसरा बॉक्स पड़ा है। अच्छा ग्रुप इसने भी तैयार किया है। ये ओपन बॉक्स रखे हुए हैं, ये आप इस तरह रख सकते हैं। मेरे को फ्रेमा अगले गाली नहीं, इनकी की मौसम साफ था होना तो मैं दो बॉक्स पड़ा हूँ, कोई ना कोई चीज रख दिया करें ताकि बारिश हो तो इनको नुकसान ना हो। ये हमने ट्राई की है इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स में सोटी के साथ लेके गए हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी आ गई हैं। ये बॉक्स है यहाँ पे, ये कोशिश कर रही हैं आने की माशाल्लाह, देखते हैं शाम तक के क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें ओपन, हमने नीचे लकड़ियाँ लगा के ऊपर बॉक्स रख के और उसके ऊपर एक रख दिया ताकि इसको जो है नुकसान ना हो बारिश में। तो ये आनी शुरू हो गई, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज़ी से आना जाना शुरू हो गया। उस आनी बीज से हमने छड़ी के साथ ला के तो इसमें डाली है, तो शाम को रिजल्ट आपको देंगे। ये दूसरा बॉक्स है जो मैंने पीछे भी सर्वे किया था, माशाल्लाह इसमें बहुत ही बड़ा एक झुंड है, जो इस दफ़ा भी बच्चों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे हैं बाहर। और बच्चों को जो पुरानी वाली हैं वो मार के नीचे फेंक दी। ये देखें बहुत फाइट हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की ये हनी बीज जो पुरानी वाली होती हैं, वो जो नए बच्चों का ग्रुप होता है वो उनको कोशिश करती हैं कि वहाँ से निकालें, मार पीट के निकालें अगर वो लेकिन ये नहीं जाना चाहते। तो यूज़ रियली ऐसा होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो नहीं जाना चाहते। जिस तरह माँ अपने जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अलग से घर बनाती, कहती है बनाओ और फिर अलग जाके रहो, तो बच्चों का दिल नहीं करता कि वो कहीं अलग से रहें, लेकिन मजबूरन एक सेटिंग है, एक सिस्टम है। इसी तरह हनी बीज का भी एक सेटिंग और सिस्टम है। वो जो मलका है वो ऑर्डर करती है तो जो ना निकले तो उनको पिटाई करनी पड़ती है इनको, तो पिटाई में कुछ मर भी जाती हैं शायद। तो ऐसे ही मेरे बॉक्स में है, ये मैंने दूसरी दफ़ा सर्वे किया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा हनी बना रही हैं, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ इसमें, जो बच्चे हैं वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि यहीं सेटल हो जाएं। तो इनको ये देखें नीचे झगड़े झगड़े शुरू हैं इनके आपस में, हनी बीज के लड़ाई शड़ाई कर रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं फैसला क्या होता है। नीचे से मैं सफाई कर लेता हूँ जो गिरी हुई हैं। ये एक कुची रखी होती है जो चीड़ के टेनकों से बनी होती है। सफाई हनी बीज बॉक्स की सफाई बहुत अच्छे से होती है इस छोटी
छोटे से झाड़ू के साथ। ये झाड़ू आप देख रहे होंगे, ये माशाल्लाह से देखें इन्होंने इस दफ़ा छत्ता कितना बड़ा बनाया है, और नीचे देखें मक्खियां कितनी जो है ना आपस में झगड़ा कर करके तो कितनी ज़्यादा नीचे गिरी हुई हैं। ये देखें बस आपने पकड़ के ये पहले भी साफ़ कर चुके हैं हम इसी यानी भी इस बॉक्स को, आज माशाल्लाह से फिर जो है हम इसकी सफाई कर रहे हैं। ये देखें ये सारा गंद जो है ना, ग्लव्स पहन लिया करें, अपनी सेफ्टी को फर्स्ट रखा करें क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ये तो बहुत ही आपको क्यूट सी लग रही हैं, आप सोच रहे होंगे काट नहीं रही हैं, देखें धुआं भी नहीं किया हुआ। तो ऐसा है कि इस इनको जब तक टच नहीं करेंगे, इनको तंग नहीं करेंगे, तो ये आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं देती। जिस तरह हर चीज़ को अल्लाह ताला ने सेल्फ डिफेंस के लिए ताकत दी होती है, इस तरह हनी बीज को भी अल्लाह ताला ने जब इसको कोई डिस्टर्बेंस हो करे तो ये समझ जाती हैं कि ये हमें अब तंग और तकलीफ़ देना चाहता है, तो उस सूरत में फिर ये अटैक करती हैं। व्यूज़ एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था, मैं दिन के उजाले में एक दरख्त से उतारा था, मुझे घर से कहा भी गया कि जी धूप है आप ना जाएं, लेकिन वो प्यार पागल होता है, वो कहते हैं इश्क पागल होता है, उसमें नहीं नज़र आता ये चीज़ें, और जब पाला पड़ता है तो समझ आ जाती हैं। जब मैं गया, जब मैं उसमें डालने लगा बास्केट में, तो बिलीव मी कि मुझे इतनी ज़्यादा हनी बीज ने काट लिया था कि मैं घर आके बड़ी मुश्किल से ना 100/100 की स्पीड से वहाँ से भाग के आया, लेकिन वो तकरीबन 50 फीट तक वो मक्खियाँ मेरे साथ आई, और तकरीबन लातदाद मेरे कानों पे, मेरे सर पे जो है ना उन्होंने अपना डंग मारा। और फिर वहाँ पे मैंने कुछ उस वक्त मैंने घी और एक टैबलेट ली थी एलर्जी वाली, और फिर एक दोस्त ने इंजेक्शन आगे लगाया था, मेरा कान ओंठ और मुंह जो है ना वो सूज चुका था। तो ऐसा कभी ना कीजिएगा, सेफ्टी को हमेशा फर्स्ट रखा करें, अपने अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने हाथों को फुल कवर करके कभी भी सर्वे करें जब हनी बीज का, तो आप अपने सेफ्टी को पहले रखा करें, क्योंकि अपने बच्चों को भी थोड़ा दूर रखा करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इनको हाथ लग भी जाता है तो ये फिर ऑर्डर करती है मलका के अटैक, तो जब ये अटैक करती हैं तो फिर इनके अटैक से अल्लाह ही बचाए। तो दुआओं में याद रखना, मुझे उम्मीद है कि बहुत एंजॉय किया होगा आपने वीडियो से जो हनी बी लवर्स हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन भी दबा दिया करें। मैं तो हर अपने जितने भी व्लॉग्स हैं अपने उन दोस्तों को लाइक करता हूँ, वीडियो को पूरा देखता हूँ और फिर उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, इससे पहले जितना भी मेरा राय। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं इंडिया में नेपाल में, मैं सबको धन्यवाद बहुत बहुत सलाम दुआ कहता हूँ, और अल्लाह आपको खुश रखे आबाद रखे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं प्रोफेशनली और आगे जाऊँ और फिर आपके लिए इससे भी बढ़ के अच्छे अच्छे इकदाम करके आपको हनी बी में अपना नाम भी इंशाल्लाह हनी बी स्पेशलिस्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे अभी 15 साल होने वाले हैं। तो ये मेरा बच्चा है जो अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अब ये हनी बीज का इसको भी बहुत शौक है, तो सफाई सुथराई में सारी चीज़ें इसको मैं साथ साथ रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूंगा। मेरा मैं सोच रहा हूं कि आगे मैं जो इससे आगे आपको वो वाले बॉक्स जो वो भी दिखाऊं। ये देखें मनी बीज हमने लोकाठे कुछ खुबानियाँ वगैरह पुरानी पड़ी हुई थी, तो ये इस तरह खोल के प्लेट में रख दिया करें या किसी जगह पे भी, तो ये हनी बीज इससे रस निकाल के ना तो अपनी खुराक को पूरा कर लेती हैं। हम जिन चीज़ों को बेकार समझ रहे होते हैं, असल में वो चीज़ हमसे तो बेकार हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ है ये इसको इसके रस को मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो पकती है तो ये रस उसका हासिल करती रहती है। इन चीज़ों को फेंका नहीं करें।